एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लास्ट फर्नेस के रॉ मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। तो ये आयरन मेकिंग सीरीज का थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊंगा ना, वो सारे वीडियोज़ आप उस लिंक के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं रॉ मटेरियल के बारे में, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस के रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो देखो कौन कौन से मेन आपका बेसिक रॉ मटेरियल्स होते हैं। पहला होता है आयरन ओर, ठीक है। आयरन ओर तो आपको जानती हो, जो ओर माइंस से आता है डायरेक्टली, ठीक है, एक आयरन बेयरिंग मटेरियल है। तो हम आयरन ओर ग्रुप में जनरली यूज़ करते हैं Fe2O3 को, ठीक है। ये होता है, इसका नाम है हेमेटाइट, ठीक है। सबसे ज़्यादा हर जगह पर ज़्यादातर हेमेटाइट ही यूज़ होता है। इसके अलावा और भी ओर्स हैं, बट उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा यूज़ होता है सिंटर। सिंटर एक्चुअली में क्या होता है, जो फाइंस जनरेट होता है ना माइंस में, ठीक है, खदानों में जो माइंस या डस्ट जनरेट होता है, तो उसको हम फेंकते नहीं हैं वापस। उसको क्या करते हैं, ला के उसका केक फॉर्म में बना के उसको प्रॉपर साइज में हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंटर। आगे और डिटेल से भी देखेंगे। उसके बाद और क्या हम चार्ज करते हैं भाई, कोक चार्ज करते हैं, ठीक है। कोक जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है ब्लास्ट फर्नेस के, याद रखिए। ये कोक ही ना रॉ मटेरियल का मुखिया होता है, मतलब पूरा ब्लास्ट फर्नेस को चलाने के लिए ना कोक बहुत ज़रूरी। कोक के बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोक का क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कोक तो पहला भाई एज ए फ्यूल काम करता है, ठीक है। जो भी हीट प्रोवाइड करना है रिडक्शन के लिए, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है ना मेल्ट करने के लिए, हर चीज़ के लिए यही एज ए फ्यूल काम करता है, ठीक है, यही जलता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये काम करता है। आपका जो कार्बन है ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कोक का जो कार्बन है। उसके बाद यही जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ना, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आप क्या बना लेता है, ये आपका बना लेता है CO, ठीक है। CO जो है ना मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, ठीक है। तो ये कौन देता है, ये आपको कोक ही देता है। उसके अलावा जो कोक है ना, वो पूरे बर्डन को सहन करके रखता है। जैसे ब्लास्ट फर्नेस है ना, तो ये जो बोश एरिया रहता है, यहाँ पे हर रॉ मटेरियल जो है कोक को छोड़ के सब का सब सब टूट जाता है, मतलब सब लिक्विड बन जाता है। कौन हिम्मत दिखाता है यहाँ पे, यहाँ पे कोक हिम्मत दिखाता है, बोलता है कि नहीं मैं हूँ, आप लोग घबराओ मत करके, ये पूरा इसका बर्डन को सहन करके रखता है, ठीक है। कौन, कोक ये, ठीक है। फिर चौथा फंक्शन क्या है कि ये प्रॉपर परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि बोश रीजन में देखो सब का सब लिक्विड बन गया, सब ने हार मान लिया, कोक बोला कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, तो वो क्या है लंप साइज में भी है, तो उसके बीच में ना वो जगह रहता है, क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड के बीच में जगह रहता है, परमेबिलिटी रहता है, वहाँ से आपका रिड्यूसिंग गैस पास होता है और ऊपर की ओर जाता है। अगर सब लिक्विड बन जाएगा तो वही ब्लास्ट फर्नेस आपका काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये चार फंक्शन होते हैं कोक के, बिना कोक के आपका ब्लास्ट फर्नेस चल नहीं सकता, ठीक है। और कोल में, कोल एक्चुअली हम चार्ज नहीं करते। कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में या कहीं पर भी कि हम भाई कोल चार्ज क्यों नहीं करते, कोक क्यों चार्ज करते हैं, तो भाई कोल का तो स्ट्रेंथ ही नहीं होता अच्छे से, उसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है, वोलाटाइल मैटर होता है, ठीक है। तो इन सब कारण से हम कोल नहीं करते, कोक चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रॉ मटेरियल कौन सा भाई, लाइम स्टोन। ये फ्लक्स के अंदर आता है, ठीक है। फ्लक्स में एज ए लाइम स्टोन और एज ए डोलोमाइट हम चार्ज करते हैं। ये फ्लक्स जो है ना स्लैग बनाने का काम आता है, जो गैंग मटेरियल है ना उसको स्लैग बना के बाहर निकालता है, ठीक है। सबको एक एक करके हम डिटेल से जानेंगे, एक एक रॉ मटेरियल को, है ना। ब्लास्ट फर्नेस के बारे में तो मैं पिछले दो लेक्चर में आप लोगों को पूरा बता चुका हूँ, ठीक है, कि ब्लास्ट फर्नेस जो है काउंटर करेंट रिएक्टर होता है, उसमें चार्ज मटेरियल ऊपर से नीचे आता है और रिड्यूसिंग जो गैस या रिड्यूसिंग एजेंट है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, मतलब एक काउंटर करेंट प्रिंसिपल पर काम करता है ना। ये आपका ब्लास्ट फर्नेस होता है ऐसे, इसका इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल है ना वो क्या करता है, स्वेल होता है, इसके कारण जगह को हमको ये रेडियस को बढ़ाते रहना पड़ता है। इसमें अलग अलग देखो वो होता है, ये इसको बोलते हैं स्टैक लाइन, उसके नीचे होता है स्टैक, ये पूरा रीजन होता है स्टैक। उसके बाद आता है इसकी पोर्शन को बोलते हैं बेली, ठीक है। यहाँ पे होता है टूयर, यहाँ से गर्म हवा भेजते हैं, ठीक है। तो ये बेली रीजन होता है, ये बोश रीजन होता है और सबसे नीचे होता है हर्थ रीजन, है ना। तो पिछले वीडियो में मैंने इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, आप अगर नहीं देखो तो वीडियो ज़रूर देख लो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या होती है, रॉ मटेरियल को जैसी क्वालिटी रहेगी ना वैसी आपकी हॉट मटेरियल की क्वालिटी होगी, ठीक है। ये जैसे कि भाई हम जैसा खाना खाएंगे, साफ़ सुथरा अच्छा खाना खाएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा। वहीं ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, इधर उधर की चीज़ खाएंगे तो क्या होगी, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सेम वही चीज़ है, रॉ मटेरियल क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर आपका हॉट मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी होगी ऑब्वियसली, है ना। तो इसका पूरा ध्यान रखना कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। इससे आपका कॉस्ट भी कम लगता है, मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का बनता है ना। आपको 1 टन हॉट मेटल बनाना है ना, तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.65 टन आपको आयरन ओर, है ना, या बोल सकते हो आयरन बीरिंग मटेरियल, जैसे आयरन ओर और सिंटर आपको चार्ज करना पड़ेगा। और
0.5 टन मतलब 500 kg आपको कुकिंग कोल चार्ज करना पड़ता है। कुकिंग कोल मतलब कोक है, कोक आपको इतना चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है ना लगभग 86% होता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का ना, 86% आपका रॉ मटेरियल में चला जाता है, जिसमें से ना आयरन बीरिंग के लिए आपको 25% लगता है कॉस्ट, और कोक के लिए 47% कॉस्ट इसमें चला जाता है। कोक देखो कोक कितना महंगा है ना, और जो कोक का जो कोल होता है ना वो इंडिया में मिलता भी नहीं जाता, इसलिए बहुत महंगा होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है अलग अलग ब्रेकअप हॉट मेटल के कॉस्ट का, कौन सा किस में ज़्यादा खर्च होता है, ये पूरा ब्रेकअप दिया गया है, आप लोग इसको पॉज करके देख लो, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे पीपीटी में चलते हैं, वहाँ पे एक एक रॉ मेटल को बड़े डिटेल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रॉ मटेरियल होता है ना, मेटल जो भी प्लांट के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए सबके लिए अलग अलग हैंडलिंग सिस्टम होते हैं, आयरन और हैंडलिंग सिस्टम, कोक हैंडलिंग सिस्टम, सबका मतलब ये पूरा अलग डिपार्टमेंट होता है प्लांट के अंदर रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे, ये फ्लो डायग्राम है, आप देख सकते हो आयरन ओर को हम चार्ज कर रहे हैं, आयरन ओर के बारे में पहले देख लेते हैं अच्छे से। तो आपका आयरन ओर कहाँ से मिलता है, भाई माइंस से मिलता है, उसके बड़े बड़े खदान होते हैं, वहाँ से हम आयरन ओर को लाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो चट्टानों के फॉर्म में बड़े बड़े लंप के फॉर्म में आपको क्या मिलता है, आयरन ओर, तो उन चट्टानों को तोड़ना पड़ता है, उसके जॉ क्रशर वगैरह बहुत सारा क्रशर है, उसे हम प्रॉपर साइज में उसको क्रशिंग कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कुछ जो आयरन ओर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना, तो वहाँ पे बेनिफिशिएशन भी करना पड़ता है, मतलब ओर ड्रेसिंग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन वगैरह है, जिगिंग वगैरह है, और भी जितने प्रोसेसिंग है ना वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो वो प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, फिर वहाँ से ट्रेन के माध्यम से हम लाते हैं कब प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर ऐसा स्टॉक यार्ड बना होता है बहुत ही बड़ा बड़ा, 1-2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर प्लांट के साइज़ के हिसाब से बड़ा सा स्टॉक यार्ड होता है एकदम खुले में, वहाँ पर हम इसको ला के रख देते हैं, ठीक है। फिर हैंडलिंग सिस्टम से हम इसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालते हैं, है ना। ये देखो ये आयरन ओर का माइन है, आप देख सकते हो कितना ह्यूज माइन है, कितने अंदर तक इसमें खोद खोद के गड्ढा कर दिया गया है, ठीक है। तो बड़े बड़े माइंस होते हैं, ये देखो ये स्टैक यार्ड है, माइंस से कहाँ पे आता है प्लांट में, लेकिन इसके बीच में हम क्रशिंग वगैरह बेनिफिशिएशन वगैरह होता है तब जाके प्लांट के अंदर ये स्टॉक यार्ड में ऐसे इसको स्टॉक किया जाता है। यहाँ पे देखो अलग अलग स्टॉक किया गया, तो कई बार क्या होता है ना जैसे अलग अलग माइंस से आता है ना, मान लीजिए एक प्लांट है 3-4 माइंस से आ रहा है, तो हर माइंस का जो मटेरियल होता है ना उसको अलग अलग रखा जाता है, मिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि हर जगह के माइंस के आयरन ओर में उसका कॉम्पोजिशन अलग होगा, आयरन परसेंट गैंग का परसेंट अलग होगा, तो उस हिसाब से क्या है आपको फ्लक्स वगैरह जो है कोक वगैरह डालना पड़ता है। तो सब अलग अलग जगह से आता है ना, तो उसको अलग अलग रखा जाता है ना ऐसे स्टॉक यार्ड में। और जो अब देखिए अब जो आयरन ओर है उसको आपको कहाँ से स्टॉक यार्ड से कहाँ पे पहुँचाना है, ब्लास्ट फर्नेस के आसपास रख पहुँचाना है, तो उसके लिए ऐसे बड़ा कन्वेयर बेल्ट होता है, मतलब एक कन्वेयर बेल्ट का पूरा जाल बिछा होता है स्टील प्लांट के अंदर। कन्वेयर बेल्ट से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी आप जो भी रॉ मटेरियल है उसको आप ले जा सकते हैं। तो देखो ऐसा कन्वेयर बेल्ट बना होता है, क्रेन के माध्यम से ना आपका आयरन ओर को इसमें डाला जाता है, फिर ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे जाता है जहाँ भी आप ले जाओ रॉ, है ना। ये एक्चुअली में कहाँ जाते हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस का जो बंकर होता है ना वहाँ पर इसको हम भेज देते हैं, ठीक है। ये रॉ मटेरियल इस तरह से हैंडलिंग सिस्टम होता है पूरा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आयरन ओर का, आप थोड़ा सा उसके कॉस्ट वगैरह के बारे में बता देता हूँ कि आयरन ओर का जो जो कॉस्ट है कीमत वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए जो आयरन ओर है ना उसकी कीमत डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी पे, क्वालिटी मतलब उसमें कितना परसेंट आयरन है, ठीक है। आयरन ओर में कितना परसेंट आपका आयरन है ना, जनरली 65% होना चाहिए तब अच्छी क्वालिटी का उसको आयरन ओर बोलते हैं, उसे प्रॉपर आप अच्छे से आयरन निकाल सकते हो एज ए प्रॉफिटेबल वे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी ऑपरेशन में, तो 65% तो भाई होना ही चाहिए। इसके अलावा जो गैंग मटेरियल होते हैं ना जैसे SiO2 है, ठीक है, MnO है, Al2O3 है, इसका भी डिपेंड करते हैं कि ये जो है ना गैंग मटेरियल वो कितना है, ठीक है। ये सब गैंग मटेरियल जो है ना कम से कम, और यहाँ पे कुछ गैंग होते हैं जैसे कि एलुमिना अगर कंटेंट अगर ज़्यादा है ना तो उसका कॉस्ट वैसे भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एलुमिना जो है ना सबसे बेकार गैंग होता है, ठीक है, इसको रिमूव करना आसान ही होता है। उसके अलावा भी और कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, किस एरिया में है आप, कितना ट्रांसपोर्ट, कितने दूर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वो सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लगता है, ठीक है। तो आयरन ओर की कीमत जो है इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कोक के बारे में, ठीक है। अब मैंने बताया ना कोक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए कोक एक्चुअली में नेचर में डायरेक्टली मिलता नहीं है, है ना, हमको नेचर में एक्चुअली में क्या मिलता है, कोल मिलता है। अब ये देखिए ये जो कोल है ना ऐसा वैसा कोल नहीं है, ठीक है, ये होता है मेटलर्जिकल कोल या कोकिंग कोल होता है, जो कि इंडिया में बहुत कम जगह है, जैसे इंडिया में केवल झारखंड वगैरह में होता है, उसके अलावा बहुत कम है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इंडिया के स्टील प्लांट है ना वो बाहर के देशों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, और है ना साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, न्यूजीलैंड, वहाँ से
हम कोकिंग कोल मंगाते हैं, उतने दूर से इंपोर्ट कराते हैं, है ना। फिर यहाँ पे ला के हम क्या बनाते हैं, उसका कोक बनाते हैं, फिर उसको हम ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करते हैं। इसीलिए जो है ना, कोक जो है सबसे महंगा रॉ मटेरियल है। अगर आप कोक रेट कम कर देना, मतलब कोक बचा लिए किसी भी किसी तरीके से, कम कोक डाल रहे हो, मतलब आपको करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा एक प्लांट को। अगर आप कोक रेट 1 किलो भी कम कर दिए ना, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अब देखिए, कोल से हम कोक कैसे बनाते हैं। भाई, कोल जो आपका होता है वो आपका माइन से आता है, ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे, इसका वॉशिंग वगैरह जो होना है, क्रशिंग वगैरह वो होता है स्टॉक यार्ड में, उसको जमा करते हैं, फिर हम इसको कोक ओवन में चार्ज करते हैं। अब देखिए, किसी किसी प्लांट में कोक ओवन हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है। जिस प्लांट के पास कोक ओवन नहीं है वो बाहर से खरीदता है, जिसके पास है वो खुद प्रोड्यूस कर लेता है ना। तो ये कोक ओवन बैटरी में जाता है, यहाँ से कोक बनता है, फिर इसको हम भेज देते हैं मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के थ्रू ब्लास्ट फर्नेस के बंकर में, है ना। ठीक है, ये सब माइंस आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये कोल के माइंस है, यहाँ से वॉशिंग वगैरह होता है कोल का, क्रशिंग वगैरह, इस तरह से आप कोल को रखा जाता है। अब आपको क्या बनाना है भाई, कोल से कोक बनाना है, तो कोल से कोक बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, इसका क्या नाम है, कार्बोनाइजेशन। जनरली किस टेम्परेचर में करते हैं, 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस में। देखो, कार्बोनाइजेशन में होता है क्या ना, ऐसे बैटरी बना होता है, ऐसे ये ऐसे बैटरी बना है, इसके अंदर जो है हम कोल को, जो कोल आया हुआ है बाहर से, उसको वॉशिंग क्रशिंग वगैरह करके इसको हम पूरा डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, कार्बोनाइजेशन में होता क्या है ना, हम इस कोल को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस मतलब वहाँ पे एयर आपको देना नहीं है, एयर दे दोगे ना उसको गर्म कर दोगे, पूरा जल के राख बन जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो एब्सेंस ऑफ एयर में हीटिंग करते हैं, ठीक है, हीटिंग सब ज़रूरी है, बर्निंग वगैरह नहीं करते। तो इसमें हम क्या भर दिए, अपना कोल को भर दिए, उसके बाद ये इधर एक और चैम्बर होता है, तो ये जो चैम्बर दिख रहे ना इस साइड, यहाँ पर हम ना कोक ओवन गैस से ही या ब्लास्ट फर्नेस गैस से ही क्या करते हैं, यहाँ पर आग जलाते हैं यहाँ पर। तो इधर क्या होता है भाई, पूरा फ्लेम से आग जलता है, तो ये हीट जो है ना, ये दीवार के माध्यम से अंदर जाता है, और ये वाला जो एरिया है जहाँ पे कोयले को ट्रैक्ड रहता है, यहाँ पे एयर वगैरह कुछ नहीं घुस सकता है। तो इस तरीके से हम केवल गर्म करते हैं कोयले को, ठीक है। कोयले को जब आप गर्म करोगे ना इन एब्सेंस ऑफ एयर, तब आपको क्या मिलता है, कोक मिलता है। कैसे कोक बनता है भाई, गर्म करने से जितना वोलेटाइल मैटर होता है ना, वो सब उड़ के बाहर निकल जाता है ना। उसके बाद जो मॉइस्चर वगैरह होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, और ये एक केक के फॉर्म में आपको निकलता है जो कोक जो होता है ना एकदम, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में आप दे रहे हो, तो वो क्या होता है, जो कोल के पार्टिकल हैं वो आपस में ऐसे चिपक जाते हैं और एक केक जैसा फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आपको बनता है कोक, इससे इसकी स्ट्रेंथ जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपको कोयले और कोक में डिफरेंस समझना है ना, तो दोनों का आप उठा के देखिए, कोक जो है ना बहुत हल्का होता है कोल से, और दूसरा क्या होता है ना, बहुत पोरस होता है, उसकी परमेबिलिटी जो है कोक की बहुत अच्छी होती है ना। तो इस तरीके से हम बनाते हैं कोल से कोक, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे पूरा दिया गया है भाई, पूरा फ्लो चार्ट, आपका कोक का स्टैक होता है, ठीक है, वो आपको स्टोरेज बंकर में जाता है, मतलब कोक यहाँ पे बन गए हैं मेटल हैंडलिंग से, कहाँ बोलिए भाई, स्टोरेज बंकर में। बड़े बड़े कोल्ड टावर होते हैं, बहुत बड़े बड़े कोल्ड टावर होते हैं प्लांट में, उसमें कोक को स्टोर करके हमको रखना पड़ता है। तो कोक को स्टोर करके हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सबको स्टोर करके रखते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे कोक के बारे में बता रहे हैं, मेन यहाँ पे कोल को हम स्टोर करके रखते हैं, है ना, कोल का टावर होता है ये, फिर स्टैम्प चार्जिंग कार में जाता है, फिर कोकोन बैटरी में जाता है, कोकोन बैटरी में, फिर मैंने क्या बताया, फिर 1100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं। फिर जैसे आप उसको गर्म करते हो, अब जब आप बैटरी से निकाल रहे हो ना, उस समय आपको तुरंत, जैसे आप बैटरी से निकाले ना, तुरंत आपको उसको क्वांचिंग कर लेना है पानी में, तुरंत उस कप को पानी में डाल देना है, इसको जो कोक बना है उसको। अगर आप पानी में तुरंत नहीं डाले ना, तो बाहर उसको एयर मिल जाएगा, और कोयला गर्म, अब जो कोक है वो गर्म रहेगा, तुरंत वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, तुरंत जल के राख बन जाएगा वो। आपको क्या करना है, तुरंत जैसे बैटरी से निकालोगे ना, उसको तुरंत पॉन्चिंग करना पड़ता है पानी से, है ना, ताकि वो तुरंत उसका टेम्परेचर जो है बहुत डाउन हो जाए, ठीक है। तो उससे आपको तब आपको मिलता है कोक, है ना। तो कोक ऑन बैटरी से वो जाता है पॉन्चिंग कार में, पॉन्चिंग हो जाता है, तब आपको कोक मिलता है लंप साइज में, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसका स्क्रीनिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर उसको वापस, फिर वहाँ पे क्या, आप कहाँ भेज देते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में भेज देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो कोक ओवन जो होता है ना, उसमें हमें बहुत सारा बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे नैप्थलीन हो गया है ना, अमोनियम सल्फेट है, ऐसे बहुत सारे जो है ना बाई प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, उसका भी रिकवरी कर लिया जाता है, ठीक है। और जो छोटे साइज़ के कोक होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज़ के, उसको वापस कोक ब्रिज बोलते हैं, उसको हम लोग सेंटर बनाने में काम ले लेते हैं। जब स्क्रीनिंग करते हैं ना, तो बहुत छोटे छोटे अगर कोक वहाँ पे भी छोटे छोटे कोक जनरेट हो जाते हैं, जब उसको तोड़ते हैं, तो बहुत छोटे कोक को ना कोक ब्रिज बोलते हैं, उसको हम भेज देते हैं वापस सेंटर प्लांट में, सेंटर में क्रश करके हम वहाँ पे उसको सेंटर बना देते हैं, ठीक है। देखिए, इस तरीके से आपका होता है जो कोक ओवन प्लांट होता है ना, ऐसे ये सब देखो, बहुत सारे ऐसे डब्बा डब्बा दिख रहा है ना, यही कोक ओवन बैटरी है, इसी में हम कोयले को चार्ज करते हैं, उसको गर्म करते हैं,
ठीक है। उधर आपका इधर देखो क्वांचिंग टावर होता है, इसको जैसे यहाँ पे रेलवे लाइन में ऐसे बिछी हुई थी, इसमें ये इसको हम इसको यहाँ पे चार्ज करते हैं, यहाँ से निकालते हैं कोकोन बैटरी से, फिर इसको ले जाते हैं यहाँ पे क्वांचिंग टावर में, तुरंत इसको क्वांचिंग टावर में इसको पानी से तुरंत ठंडा कर देते हैं, ठीक है। जब वो बाहर निकलते हैं तब लगभग लगभग देखो कोक बनने में आपका बोल सकते हो ना 10 घंटे लगते हैं, 10 से 12 घंटे। मतलब जैसे आप अभी चार्ज किए ना, तो 1100 डिग्री सेल्सियस में आपको 10 से 12 घंटे रखना है, फिर आपको निकाल के उसका क्वांचिंग करना, तो 10-12 घंटे लगते हैं कोल से कोक बनने में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो कई जगह स्टेम चार्जिंग वाला भी सिस्टम होता है। स्टेम चार्जिंग में क्या होता है, जो छोटे छोटे कोयले जो होते हैं ना, उसको ना ऐसे ये स्टेम चार्जिंग में ऐसे क्या करके पानी वगैरह मिक्स करके मशीन के थ्रू ना ऐसे वो केक जैसे फॉर्म कर लेते हैं, ये इसको बोलते हैं स्टेम चार्जिंग। ये कोयला ही है, इसको कोक बनाने अपने को, तो इसे ऐसे मशीन से हम ऐसे स्टेम चार्जिंग कर लेते हैं। अब इसी स्टेम जो होता है ना, आपको स्टेम टू कोल को ना हम ये जो है कोक ओवन में चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका कोक ओवन है, ठीक है। ये अलग टाइप का कोक ओवन है, ये थोड़ा कम जगह यूज़ होता है, ठीक है। इसमें जो स्टेम चार्ज ये जो कोल है इसको इसको अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पे 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देते हैं, है ना। फिर सॉफ्टवेयर में इसको गर्म करते हैं लगभग 10 से 12 घंटे के लिए, तब आपको इस तरीके से क्या मिलता है, ये कोक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से इस फोटो में देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये कोक बन गया। ऐसे जब निकलते हैं ना तो ऐसे पूरे से रेड हॉट रहता है पूरा। अब इसको आप खुले में छोड़ देंगे ना बाहर निकाल के, तो पूरा राख हो जाएगा, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो इसको तुरंत निकाल के डायरेक्ट आपको वाटर क्वांचिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोक निकलता है बन के, ठीक है। क्वांचिंग कर देते हैं हम लोग इसको, क्या करते हैं जनरली जो होता है ना पुशर कार वगैरह, उसमें कलेक्ट करके उसको क्वांचिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फोटो में क्वांचिंग कर रही है, देखो ये आपका कोक ओवन बैटरी से यहाँ पे कोक देखो निकल रहा है गरम गरम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन ये देखो ये ट्रेन की बोगी जैसे रहती है, यहाँ पे कोक जो है यहाँ पे आ गया, फिर इधर क्वांचिंग टावर होता है वहाँ पे हम क्वांचिंग कर लेते हैं। आजकल ना एक मॉडिफिकेशन आ गया, आजकल नाइट्रोजन क्वांचिंग भी करते हैं। नाइट्रोजन क्वांचिंग में फ़ायदा क्या होता है ना, जैसे उसमें हम ऑक्सीजन पानी देते हैं डायरेक्ट, तो वो क्या हो जाता है गीला हो जाता है कोक, है ना। तो आजकल आ गया नाइट्रोजन क्वांचिंग, उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं सीधा, तो उससे वो क्वांच हो जाता है, और फिर जो हीट है ना वो नाइट्रोजन में चला जाता है, नाइट्रोजन उसके हीट को ले लेते हैं, फिर उस नाइट्रोजन में जो हीट है ना उसको बाद में रिकवर करके पावर प्लांट में हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक नया मॉडिफिकेशन आ गया आजकल, ठीक है। अब देखो ये सब हो गया, अब हम फ्लक्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, आयरन ओर के बारे में देख लिया, ठीक है, कूल कोक के बारे में देख लिया, अब फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं। फ्लक्स जनरली दो टाइप का फ्लक्स हम यूज़ करते हैं, एक लाइमस्टोन और एक होता है डोलोमाइट। लाइमस्टोन का आपका केमिकल फॉर्मूला मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और डोलोमाइट का आपका होता है डोलोमाइट का होता है आपका CaCO3.MgCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये होता है डोलोमाइट का। तो ये जो फ्लक्स क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो फ्लक्स होता है ना वो आपका बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड दोनों क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। और आपका जो जो आयरन ओर होता है, देखिए आयरन ओर में केवल Fe2O3 नहीं होता है, उसमें बहुत सारे अमाउंट में क्या होता है गैंग होता है, SiO2, L2O3, MnO, ये सब गैंग है, ठीक है। तो भाई गैंग को तो आपको हटाना पड़ेगा, तो गैंग को हटाने के लिए आप क्या करोगे भाई, ये आप फ्लक्स चार्ज कर, तो ये फ्लक्स गैंग के साथ मिलकर क्या बना लेता है, स्लैग बना लेता है, बहुत सिंपल सी बात है स्लैग, ठीक है। स्लैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, स्लैग बना लेता है, ठीक है। स्लैग की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और ये सब अलग फ्लक्स सेक्शन होता है अलग से, वहाँ पे पूरा फ्लक्स का रखा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पूरा इसमें चार्ज कर दिया फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स में हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, फ्लक्स हम बाहर से लाते हैं, उसका कोई भी बेनिफिशिएशन वगैरह नहीं होता है, खदान से उसको लाते हैं, उसको प्रॉपर साइज में तोड़ते हैं, फिर डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं भाई, ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिंटर के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे सिंटर के बारे में, ठीक है। इसको मैं और कुछ और इसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि सिंटर कैसे बनता है, सिंटर और पैलेटाइजेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरह से बोल सकते हो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है सिंटर, है ना। अब देखिए क्या होता है ना, खदान में माइंस में क्या करते हैं, जब हम तोड़ते वगैरह तो वहाँ पर डस्ट और फाइन पार्टिकल जनरेट होते हैं आयरन ओर के, है ना, ठीक है। तो वो आपको पता होगा कि हम फाइन चार्ज नहीं कर सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, फाइन चार्ज करोगे तो परमेबिलिटी पूरी जाम हो जाएगी एकदम, मतलब ब्लास्ट फर्नेस क्या हो जाएगा भाई, पूरा जाम हो जाएगा। ये ब्लास्ट फर्नेस है ना, रिड्यूसिंग गैस ऊपर जा ही नहीं पाएगा, पूरा जाम कर देगा ब्लास्ट फर्नेस के, बेचारा हालत ख़राब हो जाएगा इसका, ये काम ही नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंप चार्ज करना पड़ता है। अब डस्ट को तो आप चार्ज नहीं कर सकते, फाइन को तो उसको फेंकना भी नहीं है क्योंकि भाई उसमें तो आयरन है, ठीक है। तो हम क्या बना लेते हैं भाई, सिंटर बना लेते हैं, ठीक है। ये सिंटर प्लांट का फोटो है, देखो सिंटर प्लांट में क्या होता है, ये देखो ये आपका ऐसा बेल्ट टाइप का ऐसा लगा होता है, ये सिंटर मशीन है,
इसमें ऐसे बेल्ट टाइप का देखो लगा होता है। इसमें क्या करते हैं ना, ये देखो इधर बंकर है, इसमें क्या क्या डालते हैं, सीटर में जो आपका आयरन और फाइंस है, ठीक है, क्या डालेंगे, आयरन और का फाइंस, इसके अलावा फिर जो कोल या कोक है वो सब, ठीक है, कोल वगैरह, कोक वगैरह, कोक जैसे बताया ना, कोक ब्रिज जो छोटा कोक होता है उसको क्रश करके वापस से सेंटर में डाल देते हैं, ठीक है, कोल कोक होता है, इसके अलावा इसमें फ्लक्स भी डाला जाता है, ठीक है, और कुछ अमाउंट में वाटर डाल देते हैं, क्योंकि आप पानी नहीं डालोगे तो केक कैसे बनेगा, है ना, बाइंडर का काम कौन करेगा, पानी बाइंडर का काम करता है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ऐसे बंकर में रख लेते हैं, सबको क्रश कर लेते हैं प्रॉपर ग्राइंड, मतलब बहुत छोटे छोटे साइज में डाल देते हैं। फिर उसके बाद ये ऐसे ड्रम मिक्सर होता है, सारे रॉ मटेरियल को ना पानी के साथ 7 से 8% वाटर करके पूरा उसको क्या करते हैं, ड्रम ड्रम मिक्सर में पूरा मिक्स कर लेते हैं। आप पूरा मिक्स करने के बाद सारे मटेरियल को ना इसमें फीड कर लेते हैं, ऐसे देखो ये सिंटर मशीन है, और एक ऐसा पूरा एक बेड बना लेते हैं उसका, ठीक है, ऐसे जितना भी रॉ मटेरियल होता है ना उसको मिक्स करके ऐसा बेड बना लेते हैं इस तरीके से, है ना, ये बेड बनाते हैं। उसके बाद देखो नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ये यहाँ से क्या करते हैं, आग को जलाते हैं, यहाँ से नीचे से आग देते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं सॉरी एक चीज़ है, आग हम लोग ऊपर से देते हैं, यहाँ से ऊपर से हम लोग आग देते हैं यहाँ से बर्नर के थ्रू, और नीचे क्या होता है, सक्शन सेक्शन होता है, ये सक्शन मतलब ये हवा को ना सक करता है, ठीक है, तो ये बर्नर क्या करता है, ऊपर वाले पोर्शन को जला देता है। अब ये सक्शन क्या करता है, इसको ये हीट है ना उसको नीचे की ओर क्या करता है, नीचे की ओर लाता है। जैसे आपने सिगरेट पीते हैं तो क्या होता है, सिगरेट पीते हो तो हम एक हिस्से को जलाते हैं सिगरेट में, देखोगे है ना, उसके बाद जो पीने वाला उसको खींचता है तो क्या करता है, सिगरेट क्या होता है, जलता है ना, तो उसी तरीके से हम ऊपर वाला हिस्से को जलाते हैं और नीचे से खींचते हैं हवा से सक्शन से, तो ये धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे हीट होता है, है ना, इससे डायरेक्ट, इससे क्या होता है आपका, ये सब करने से सिलेंडर डायरेक्ट पूरा पक जाता है और एक केक जैसे फॉर्म कर लेता है, ठीक है, आयरन ओर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हाई टेम्परेचर के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से एक केक फॉर्म कर लेते हैं, पूरा जो बेड बनाया रहता है ना केक के फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। अब भाई ब्लास्ट फर्नेस तो केक खाता है, लेकिन एक साथ तो एक बार में पूरा केक नहीं खा पाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में खाएगा ना, हम केक काट के खाते हैं, तो भाई ब्लास्ट फर्नेस को भी केक काट के खिलाना है, ठीक है, तो रोज़ उसका वो अपना रोज़ बर्थडे मनाता है, रोज़ केक काट के खाता है, तो वो जो केक बन गया ना, अब उसको भाई जैसे पता है एक बार में तो खाएगा नहीं, उसको तोड़ना पड़ता है, तो यहाँ होता है सिंटर ब्रेकर, सिंटर ब्रेकर क्या होता है, प्रॉपर साइज़ में उसको ब्रेक कर देता है, फिर उसका हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर साइज़ होते हैं 6 mm से प्लस वाले उसको हम ब्लास्ट फर्नेस में भेज देते हैं, 6 mm से प्लस जो नीचे होते हैं, है ना, उसको वापस से सिंटरिंग में वापस उसको सिंटर बनाते हैं, है ना, तो इस तरीके से बनता है सिंटर आपका, है ना। क्या क्या रॉ मटेरियल होता है, जैसे मैंने बताया ना आपका आयरन और फाइंस जो -10 mm से कम साइज़ के होते हैं, कोक ब्रिज जो 3 mm से कम होते हैं, ठीक है, लाइम स्टोन डोलोमाइट का फाइंस जो 3 mm से कम होते हैं, जितने भी मतलब वेस्ट मटेरियल्स वगैरह होते हैं सबको मिक्स करके पानी डाल के हम ऐसा सिंटर बना लेते हैं मस्त से, ठीक है। तो सिंटर का फ़ायदा बहुत ज़्यादा भाई, सिंटर देखो क्या क्या फ़ायदे हैं भाई सिंटर के, एक तो हो गया भाई आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसका आपने उपयोग कर लिया बढ़िया से, है ना, वेस्ट से बेस्ट आपने बना दिया, उसके बाद क्या है और फ़ायदा क्या है, जो सिंटर होता है ना उसकी रिड्यूसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि क्या होता है ना सिंटर में ना परमेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो आयरन और लंप क्या होता है, आयरन और ना एकदम क्या होता है, एक सिंगल है ना, सिंगल होता है तो उसमें परमेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन भाई जो सिंटर होता है ना उसमें छोटे छोटे होल छेद रहते हैं, तो उसमें से रिड्यूसिंग गैस आसानी से अंदर जा सकता है, ठीक है, परमेबिलिटी अच्छी हुई मतलब उसका रिड्यूसिबिलिटी भी अच्छी होगी, बहुत अच्छे से वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें कोल या कोक भी डाले हैं, तो इससे आपका जो कोक का जो रेट है ना, जो आप ऊपर से कोक चार्ज कर रहे हो वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसमें कोल या कोक मिला चुका है, ठीक है। इसके अलावा हम सेंटर में क्या मिलाते हैं, और फ्लक्स भी मिलाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, तो फ्लक्स भी आपने इसमें डाल दिया, तो आप जो ऊपर से फ्लक्स चार्ज करोगे अलग से वो भी आपको कम चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटर भाई आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, सेंटर जो है ना हर प्लांट में सेंटर यूज़ करते ही करते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सेंटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया भाई चारों रॉ मटेरियल्स के बारे में, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है, ये है आपका ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, ये ब्लास्ट फर्नेस भी काम कर रहा है, इधर से सारे रॉ मटेरियल जो है ऐसा स्टॉक हाउस होता है ना, स्टॉक हाउस होता है, वहाँ से इसको जो स्किप कार होता है उसमें डाल के यहाँ से हम नीचे चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी, आपको ये वीडियो भाई कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ओके। तो ये था एंड इस वीडियो का, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।